नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन राजवाड़े और आप देख रहे हैं एमटेक स्टॉक एनालिसिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, छोटा लॉस सबसे अच्छा लॉस, 357 रुपए का आज का हमारा लॉस है। आप इसे लॉस कहते हो या प्रॉफिट कहते हो? मैं तो इसे प्रॉफिट कहता हूँ। क्यों? हाँ, आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि सर आपने इतना ट्रेड किया होगा, इससे ज्यादा तो ब्रोकर जाएगा। ये तो मुझे भी पता है कि इससे ज्यादा ब्रोकर जाएगा, लेकिन दोस्तों जैसे मैं आपको लगातार अभी 2-3 वीडियो में बोल रहा था कि एक दिन मेरा लॉस वाला दिन आने वाला है, बस उस दिन कोशिश करिएगा कि गलती से कोई बड़ा लॉस लेके मत जाना। कल छुट्टी है इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। ऐसा ना हो कि आपको ये लगे कि सर प्रॉफिट वाला तो दिखाते हो आप लोग, लॉस वाला नहीं दिखाते हो। ठीक है, तो मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ, सो मैं वीडियो बना रहा हूँ। वैसे इस वीडियो में आज मैंने क्या किया है ये मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, और जैसे जो ट्रेड मैं करता हूँ दोस्तों, वही ट्रेड आपको देता हूँ टेलीग्राम चैनल में। आज मैंने मॉर्निंग में ट्रेड दिया था आप लोगों को 30,500 और 32,500 के कॉल पुट को सेल करने के लिए। मैंने 9:13 में ट्रेड दिया था आप लोगों को। आप लोगों ने भी ट्रेड किया होगा और उसमें आप सबको भी मेरे साथ लॉस हुआ होगा। गुरु लॉस है तो चेला भी तो लॉस करेगा ना भाई। ठीक है, और अगर गुरु प्रॉफिट है तो चला भी प्रॉफिट आएगा, राइट। चलिए, तो मैंने इसमें ट्रेड डाला था 9:15:47 सेकेंड में ही। ठीक है, लेकिन सिस्टम ने मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दिया ऑटोमेटिकली। फिर क्या हुआ, इन द मनी पुट और इन द मनी कॉल मेरा एग्जीक्यूट हो गया। पहले 2 मिनट में 10,000 मेरा माइनस आ रहा था स्क्रीन, क्योंकि लॉट साइज थोड़ा 150 क्वांटिटी था, ज्यादा था। ओके, तो पहले ही 2 मिनट में 10,000 लॉस दिखाने लगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट थोड़ा जैसे मैं कल एनालिसिस किया था, इसके बाद फिर से चार्ट में आएंगे, पहले मार्केट में चलते हैं। ओके, मार्केट हम लोग क्या बात किए थे कल कि अगर ये ऊपर खुलेगा तो इधर वॉलेटिलिटी के साथ ट्रेड करेगा। ठीक, एक कैंडल नीचे आया, मुझे लगा नीचे ही रहेगा, लेकिन ये ऊपर चला गया। ये रजिस्टेंस और सपोर्ट बना, ये सपोर्ट, ठीक है, और रजिस्टेंस। ये चार्ट मैंने मॉर्निंग में भी टेलीग्राम चैनल में शेयर किया है। उम्मीद है आप सब टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होंगे, नहीं है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइए। लाइव अपडेट कंटिन्यू मार्केट आवर में मिलता रहेगा। तो मार्केट क्या हुआ, यहाँ से ऊपर चला गया लेकिन वॉलेटाइल नहीं हुआ। यहाँ से नीचे आता तो हमारे लिए अच्छा होता, ट्रेंडिंग हो गया और एक कंटिन्यू नीचे आए। बैंक निफ्टी मैंने एक पोजिशन यहाँ बनाया, तुरंत कट किए हम लोग। ठीक है, क्योंकि लॉस हो रहा था अपने को। फिर हम लोग यहाँ पर 30,000 और 32,000 का कॉल पुट को शॉर्ट किए, उसमें हमें प्रॉफिट मिला, वो भी मैंने टेलीग्राम चैनल में दिया। और जैसे ही मैंने उसमें प्रॉफिट आ रहा था तो मैंने आप लोगों को बोला कि भाई साहब लॉस हमारा होने वाला है, वैसे भी आज ट्रेड अच्छा नहीं है तो कोशिश करो निकल जाओ। सो हम लोग निकल गए। ठीक है, छोटा लॉस लिए दोस्तों, बस आप इस दिन ध्यान रखिएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ट्रेडर बन रहे हो, ऑप्शन सेलिंग में भविष्य देख रहे हो, ट्रेडिंग अभी अभी शुरू कर रहे हो, बिगिनर हो, तो इतना ख्याल रखिएगा कि जो प्रॉफिट है ना डीमैट में, उसे एक दिन जाने मत देना। लॉस का दिन आता है मार्केट में और नेचुरल ही आएगा ही, इसे आप दूर नहीं कर सकते। आपका भी लॉस होगा, मेरा भी लॉस होगा, दुनिया में जो भी ट्रेडर है जिसका भी नाम आप जानते हो लॉस करता है। हाँ, हमारे जैसे यूट्यूबर कोई बताते हैं, कोई नहीं बताते हैं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मेरी मर्जी है। ठीक, कोई बंदिश तो है नहीं, नहीं बताता तो क्या करते, लेकिन मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ कि मुझे लगता है बताना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, फिर दोबारा ट्रेड हम लोग लिए यहाँ पर 30,000 30,000, ठीक है, 32,000 32,000। ओके, हमारा ट्रेड अच्छा चला, यहाँ पर ट्रेड अच्छा रहा, मैंने थोड़ा रेंज देख के और भी ट्रेड मार दिया था अगेन ऊपर का लगा के। ओके, लेकिन अल्टीमेट मुझे बैंक निफ्टी में लॉस हुआ क्योंकि बैंक निफ्टी ट्रेंडिंग हो गया। ओके, फाइनली हम लोग इस लॉस में क्लोज किए टर्मिनल आज, राइट। अच्छा, इसके बाद मैं निफ्टी में भी फिर ट्रेड किया, हालांकि मैं निफ्टी में ज़्यादा शॉर्ट करता नहीं हूँ, लेकिन निफ्टी में भी मैंने शॉर्ट किया। और जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ, सब बेच दो, खरीदना कुछ भी नहीं। ठीक है, क्या क्या बेचा था देखिए, 14,200 कॉल पुट, 14,500 कॉल पुट, 14,400 कॉल पुट, 14,300 कॉल पुट और 14,200 कॉल पुट, सब दे दिए, एवरीथिंग। ठीक है, मतलब आप सोचो कि निफ्टी नीचे आ रहा था और नीचे की तरफ सब कॉल पुट शॉर्ट कर दिए। ठीक है, टाइमिंग देखो कितना, लगभग 12:30 बजे। क्यों शॉर्ट किए, जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि जहाँ मैं शॉर्ट करूँ और मार्केट वहाँ रुक जाए,
इसी आसपास मैंने शॉर्ट किया था और मार्केट यहाँ रुका, ठीक है, लगभग 12:30 बजे आसपास। देखिए 12:30 बजे मार्केट यहाँ आया, मैंने देखा कि अभी सबको सपोर्ट बनाएगा, कम से कम 1-1.5 घंटा रुकेगा, तो बैंक निफ्टी मेरा 10,000 के आसपास का लॉस था, वो निफ्टी मेरा कवर किया, निफ्टी कवर किया। जब स्पाइक आने लगा तो मैंने क्लोज कर लिया, चूंकि हम लोग फुल डे लाइव करते हैं, मेरे साथ स्टूडेंट रहते हैं, सभी लोग मेरा स्क्रीन देखते रहते हैं, आश्चर्य होता होगा आपको, फुल डे 6 घंटा स्क्रीन स्टूडेंट मेरा देखते हैं, कंटिन्यू, कभी हाइड नहीं करता अपना स्क्रीन। देखो मैं क्या पोजीशन बना रहा हूँ, कितना प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट को कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ, माइंडसेट कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है, ये सारी चीजें। देखिए मार्केट जब इसके नीचे जाने लगा, मैं एग्जिट टाइम पे एग्जिट किया हूँ, 14:24 दिखा रहा है, मैं यहाँ पर टाइम दिखाता हूँ आपको, ठीक है, जो मैंने एग्जिट किया है निफ्टी का, देखो 14:22 ब्रेक डाउन करने से पहले ये मैंने पोजीशन क्लोज कर लिया है। तो मुझे जो बैंक निफ्टी में लॉस था वो लॉस मैंने कवर किया और ओवरऑल मेरा टर्मिनल ग्रीन बत्ती में क्लोज हुआ है। मैं इसे कहता हूँ कि मेरे लिए बहुत बढ़िया दिन है, अगर लॉस के दिन में अगर आपका लॉस नहीं है दोस्तों तो प्रॉफिट है, ठीक है, कि ये जो मैंने ट्रेड लिया है, ये जो ट्रेड आया है मेरा, इसमें 1,200-1,500 का मेरा लगभग ब्रोकरेज आएगा, ये तो मुझे पता है, आपको भी लग रहा होगा कि सर इससे ज्यादा तो ब्रोकरेज आएगा, मैं भी जानता हूँ, इतना तो मुझे भी पता है, ठीक है, रोज ट्रेड कर रहा हूँ। तो ये मैंने टर्मिनल को माइनस में क्लोज किया। अब एक ट्रेड और बताता हूँ दोस्तों, देखिए इसे आप नोट करिएगा, मैंने निफ्टी में ना दोबारा भी शॉर्ट किया था। देखिए निफ्टी में क्या हुआ कि जब मार्केट नीचे गिरने लगा दोस्तों, तो हम लोग 14,200 को इस टर्मिनल में मैंने एडजस्ट कर लिया था अपने प्रीमियम को, मतलब अगर मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ बताना चाहूंगा आपको कि अगर मार्केट नीचे जाने वाला है, यहाँ से जैसे कंटिन्यू नीचे जाने वाला है, तो आप एक कॉल पुट नीचे का और शॉर्ट कर दीजिए। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर कर सके तो करिएगा। तो क्या होता है कि ऊपर का हम लोग जैसे पोजीशन क्या बनाया थी इसे समझिए, हम लोग 14,500, 14,400, 14,300 ये सारे पोजीशन शॉर्ट किए थे। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो इधर का भी कॉल पुट को शॉर्ट कर दो, ठीक है, इन द मनी कॉल शॉर्ट हो जाएगा और आउट द मनी पुट शॉर्ट हो जाएगा, इन द मनी में ज्यादा पैसा मिलेगा, इन द मनी में ज्यादा पैसा मिलेगा, तो पोजीशन हेज हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, मैं दूसरे टर्मिनल में इसे एडजस्ट नहीं कर पाया क्योंकि उसमें फंड मेरा कम था, उसमें स्टूडेंट के साथ ट्रेड करता हूँ, मैं टर्मिनल दिखाता हूँ, मैं आपको शो करना चाहूंगा, उसमें मेरा माइनस है। और माइनस जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ दोस्तों कि मेरे ट्रेड में 2,500 से ज्यादा माइनस होना नहीं चाहिए, ठीक है, लॉग इन कर लेता हूँ। तो यहाँ दोस्तों मैंने 2,500 लॉस लिया क्योंकि मैंने इस पे क्योंकि मैं इस पोजिशन में एडजस्ट नहीं कर पाया, नीचे का मैं कॉल को शॉर्ट नहीं कर पाया, फंड मेरा शॉर्ट हो गया, इसलिए मैंने इसमें 2,500 का लॉस लेके निकल गया। मैं आपको अक्सर बोलता हूँ कि आप 2,500 से ज़्यादा लॉस लीजिए मत, अपना लॉस को कंट्रोल कीजिए। जिस दिन आप लॉस को कंट्रोल करेंगे दोस्तों, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाएगा। हम लोग लगातार प्रॉफिट कर रहे हैं और इस बात को मुझे बहुत अच्छे से एहसास था कि एक दिन मेरा लॉस वाला दिन आने वाला है, लेकिन वो दिन मेरा बड़ा नहीं होना चाहिए। आई होप ये सारी चीज़ें समझते होंगे, अगर आप ट्रेडर बन रहे हैं, ट्रेडिंग सीख रहे हैं दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आप ये माइंडसेट का है, ठीक है, ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी का है। देखिए मैंने इसमें ट्रेड कब क्लोज कर दिया था, इसमें मैंने ट्रेड क्लोज कर दिया था जब लॉस होने लगा था, तो क्योंकि निफ्टी भी नीचे आ रहा था, ये ट्रेड मैंने क्लोज कर दिया था। देखिए 12:46 में चाहता तो मैं दोबारा भी ट्रेड कर सकता था, मेरे रेंज पे था मार्केट, लेकिन चूंकि अगर मैं दोबारा ट्रेड करता तो 2,500 का फिर से रिस्क लेना पड़ता और एक टर्मिनल मेरे स्टूडेंट्स देखते हैं। अगर मैं वीडियो में बात कर रहा हूँ, अगर मैं लाइव में बात कर रहा हूँ, अगर मैं क्लास में बात कर रहा हूँ, अगर आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट दे रहा हूँ, और अगर मैं कुछ गलत करूँ, कुछ अलग करूँ, कुछ दूसरा ही करूँ, ये बताओ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो, लगभग वहाँ पे 19,000 से ज़्यादा लोग हैं, राइट, 19,000 से ज़्यादा लोग हैं अभी, क्या मैं इन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दूंगा और मैं गलत ट्रेड करूंगा? तो मुझे लगता है ये गलत है, या मैं यहाँ पर कुछ गलत करूँ यहाँ पर, या मतलब मैं एवरीडे आपको 2,500 का लॉस की बात करता हूँ यहाँ पर, हाँ हो सकता है 2,500 हो जाए, हो सकता है 2,700 हो जाए, ठीक है, स्पाइक में ऊपर नीचे हो सकता है, ये तो हम मानते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर 20,000 है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि डिसिप्लिन आप रखिए अपने ऊपर, अगर डिसिप्लिन रख रहे हैं नो डाउट आप एक दिन बहुत अच्छे ट्रेडर बनेंगे और मुझसे कहीं अच्छे ट्रेडर बनेंगे, क्योंकि मैं तो सिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं एक ट्रेड छोटा करता हूँ और इसलिए छोटा ट्रेड करता हूँ और इसलिए स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ आपको, कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर तो सर के पास बड़ा फंड है, वो तो जो भी ट्रेड मारे उनकी मर्जी, ऐसा नहीं है मेरे भाई। ये ट्रेड मैं स्टूडेंट के साथ ट्रेड करता हूँ, यही स्क्रीनशॉट आपको लाइव में टेलीग्राम चैनल में शेयर करता हूँ, क्योंकि एक ट्रेड मैं मार रहा हूँ, इसमें देखिए
हालांकि आप लोग प्रॉफिट में निकले होंगे क्योंकि मैं आपको प्रॉफिट में निकाल दिया था, ये मैंने निफ्टी में लिया इसलिए मेरा लॉस हुआ, वरना ये ट्रेड मेरा 600 लगभग प्रॉफिट में आ गया था। निफ्टी नीचे आने लगा तो 2500 से ज्यादा लॉस हो गया। मैं 2500 से ज्यादा लॉस सोचता नहीं हूँ, 2500 से ज्यादा लॉस लेता नहीं हूँ ट्रेड में। तो मैं पहले बैंक निफ्टी में इसमें प्रॉफिट में था जब बैंक निफ्टी का ट्रेड कर रहा था, तो ठीक है प्लस में था, लेकिन माइनस हो गया, कोई बात नहीं, चलिए 2500 लॉस हो गया मेरा। कंटिन्यू प्रॉफिट में हम लोग एक आध दिन लॉस लेना पड़ेगा, मार्केट से प्रॉफिट ले रहे हैं, मार्केट को अपने को देना पड़ेगा, रिटर्न देना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में ये मैंने बताना चाहा कि आज मैंने क्या किया, कितना प्रॉफिट लिया, कितना लॉस किया, कैसे ट्रेड किया मॉर्निंग में, देखिए। और मॉर्निंग में जैसे मैं आपको बताया, इसमें भी सेम कंडीशन हुआ, ऐसा नहीं है कि मेरे बड़े ट्रेड में, इसमें भी सेम कंडीशन हुआ, दोनों ट्रेड नहीं लगा मेरा। तो ऐसे गलतियां हो जाती हैं, अगर ये नहीं लगता ना, सुबह ही मैं इसमें 2% आसपास प्रॉफिट में आता, लगभग 2500 3000 के प्रॉफिट में आ गया होता मॉर्निंग में, और आप सब भी आ गए होते, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है, आज हुआ मेरे साथ, और चलिए इसे स्वीकार करते हैं। देखिए टेक्निकल ग्लिच का, टेक्निकल प्रॉब्लम का, कभी सर्वर प्रॉब्लम है, कभी ऑर्डर नहीं लगा, ये सारी चीजें दोष नहीं देना है, ठीक। जैसे लास्ट मंथ में दोस्तों NSE बंद हो गया था पूरा दिन, किसको दोष दे, ठीक है, ये सारी चीज तो ट्रेडर ही चलेगा ना। बस अपने लॉस को कंट्रोल में रखिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लर्निंग तो ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन डिसिप्लिन आपको समझ में जरूर आया होगा कि मैं कर क्या आ रहा हूँ। अगर मुझे फॉलो करें तो सारी चीजें फॉलो कीजिए, मैं रोज अपडेट करता हूँ आप लोगों को, टेलीग्राम चैनल में अपडेट रही है। दोस्तों आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कल वीकेंड है, छुट्टी है, एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट डे थर्सडे है, एक्सपायरी होगा, उस दिन हमारे लिए बहुत अच्छा दिन होने वाला है, प्रीमियम बढ़िया है, अच्छा मिलेगा। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।